Now again almost same program is previous case में till now we are discussing problem with respect to power for a given range. इस केस में अगेन सेम प्रोग्राम है बस इसका सोर्स कोड मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज किया था. इस केस में फाइंड आउट करना व्हाट इज द आउटपुट. फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराया था लॉजिक इंप्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ गिवन रेंज. नेक्स्ट केस में सेम प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में फ्लोचार्ट डायग्राम क्रिएट किया था जस्ट एग्जीक्यूशन डायग्राम. सेम डायग्राम्स के अकॉर्डिंग मीन्स अगेन वी वांट टू डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. इस प्रीवियस केस में ए और बी का वैल्यू एंड पावर का वैल्यू कीबोर्ड सीट डाउन किया था लेकिन इस केस में ए का वैल्यू मैंने फिक्स्ड कर दिया 5, बी का वैल्यू फिक्स्ड कर दिया 7 और पावर क्या 3. इसका मीनिंग क्या है जनरली इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराना चाहते हैं. रेंज क्या है इस केस में ए टू दी बी. ए क्या है 5 तो बी क्या हो जाएगा 7. इसके मिडिल में नंबर्स क्या है 6 नंबर्स. मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस करने के लिए प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए छोटा सा रेंज यूज किया फ्रॉम 5 to 7. लेकिन एवरी टाइम इस पर कैलकुलेट क्या करना है 5 to the power 3, 6 to the power 3 का पी का वैल्यू कंसीडर कर लिया 3 का पी का वैल्यू 4 आसान कराए देन 5 to the power 4, 6 to the power 4, 7 to the power 4 बट इन दैट केस 3. देन चेक कर इस केस में पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रिजल्ट किस फॉर्म में या किस टाइप से ऑपरेशन से सॉल्व हो रहा है पूरा गिवन लॉजिक. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोवाइड क्या किया इस केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल्स कितने हैं आई जे एंड पी. आई और जे आई जे पी का वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है सॉरी आई जे एंड रिजल्ट. इन वेरिएबल्स का वैल्यू फ्रिक्वेंटली बार बार रीड हो इसलिए इन तीनों के लिए मैंने मोर स्पेस प्रोवाइड किया कंपेयर टू रिमेनिंग वेरिएबल्स. मीन्स मेमोरी में सभी का साइज 2 बाइट्स ही हुआ. इन दैट केस अदर रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या है वेरिएबल ए मिनिमम रेंज बी मैक्सिमम रेंज एंड पी. ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 5, बी का इनिशियल वैल्यू क्या है 6 एंड पावर का वैल्यू क्या है 3, बी का इनिशियल वैल्यू क्या है सॉरी 7. नेक्स्ट टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस में परफॉर्म क्या हो रहा है इनिशियलाइजेशन. आई इक्वल्स टू ए करंटली डायग्राम में ए का वैल्यू 5 है इसलिए ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे 3 5. आई का इनिशियलाइजेशन किस हो जाएगा 5 से. दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई. नेक्स्ट में कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन टेस्टिंग में क्या है आई लेस देन इक्वल्स टू बी. बी का वैल्यू फिक्स है इसलिए मैं सिंपली रिप्लेस कर रहा हूँ जस्ट 7. इसे लूप कहाँ से कहाँ से चलेगा 5 to 7. एवरी टाइम इंक्रीमेंट कितने से हो रहा 1 से. देन फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन देन फोर्थ वन क्या है कंडीशन टेस्टिंग. जब कंडीशन टेस्ट कराएंगे आउटर लूप के लिए आउटर के केस में कंडीशन क्या है प्लेस पर आई लेस देन इक्वल्स टू 7. आई का वैल्यू करंटली क्या फाउंड हो रहा है मेमोरी में 5. 5 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज ट्रू. दिस इज आउटर. नेक्स्ट वन इसको मैं सेपरेटली साइड में राइट डाउन कर लेता हूँ. मीन्स रिस्पेक्ट टू आउटर लूप कंडीशन इज I लेस देन इक्वल्स टू 7 और करंटली I का वैल्यू क्या है 5. 5 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ इस केस में फिफ्थ केस में इनर लूप. इनर लूप के केस में 2 एक्सप्रेशन है इन साइड इनिशियलाइजेशन. सिक्वेंस इज 4 देन 5. 2 एक्सप्रेशन क्या है इसके अंदर जे इक्वल्स टू 1 रिजल्ट इक्वल्स टू 1. जे का भी इनिशियलाइजेशन 1 से हो रहा प्लस रिजल्ट का भी इनिशियलाइजेशन किस हो रहा 1 से. सिक्स केस में परफॉर्म कराएंगे अगेन कंडीशन टेस्टिंग. जे लेस देन इक्वल्स टू पी. पी का वैल्यू इस केस में फिक्स्ड है इसलिए सिंपली रिप्लेस कर रहा हूँ 3. जे के केस में कंडीशन टेस्ट होगा चेक इट. इन दैट केस जे के केस में कंडीशन क्या है जे लेस देन इक्वल्स टू 3. जे लेस देन इक्वल्स टू 3. जे का वैल्यू करंटली 1 है 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या हुआ बॉडी एग्जीक्यूशन. बॉडी एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग इसका सिक्वेंस क्या है 6 के बाद जस्ट 7th सिक्वेंस 7. 7 की केस में जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है रिजल्ट इज 1 मल्टीप्लाई बाई आई. आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 5. आई का वैल्यू करंटली क्या है 5. मीन्स फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 5 है तो पावर भी किसका कैलकुलेट होगा 5 का 5 to the power 3 इसलिए मल्टीप्लिकेशन किस हो रहा है 5 से. आई मल्टीप्लाई बाई सॉरी रिजल्ट मल्टीप्लाई 5 रिजल्ट इज 5. असाइन किस में हो जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में. नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 5. वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 5. इनिशियली रिजल्ट का वैल्यू क्या था 1
देन ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 5। नेक्स्ट वन आफ्टर दैट एट्थ केस, एट्थ केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, जे प्लस प्लस, नाउ जे बिकम्स 2, वैल्यू ऑफ जे बिकम्स 2। देन एट्थ का नाइन्थ केस क्या, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, इनर लूप के लिए कंडीशन टेस्ट करेंगे, इनर लूप के केस में कंडीशन टेस्ट होगा तो जे का वैल्यू करंटली फाउंड हो रहा है 2, नाउ 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, अगेन बॉडी ऑफ इनर लूप, इनर लूप के केस में टेंथ केस क्या है, अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में प्रीवियसली से एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया था 5, इसलिए रिजल्ट के प्लेस पर नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस होंगे, करंट वैल्यू ऑफ रिजल्ट मीन्स 5। एंड आई का करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, ऑल्सो 5, देयरफोर 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25, 25 आसान किस में हो जाएगा, इन साइड रिजल्ट, अब वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 25 आफ्टर दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट वन 11th केस, जे प्लस प्लस, जे में नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, नेक्स्ट वन जे का वैल्यू 3 होने पर मीन्स फर्स्ट टाइम जे वैल्यू क्या था 1, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, आई वैल्यू इज करेंटली 5, फर्स्ट टाइम 1, सॉरी वैल्यू ऑफ जे इज फर्स्ट टाइम इनिशियली 1, देन 2, नेक्स्ट टाइम करेंटली जे का वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस, सॉरी कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग में इनर कंडीशन टेस्ट हो रहा है, इनर में जे का वैल्यू क्या है 3, रिप्लेस क्या करेंगे ऑल्सो 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पर अगेन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा 13 सिक्वेंस, बॉडी के केस में रिजल्ट के लिए इस पर प्रीवियस रिजल्ट क्या स्टोर है ऑलरेडी 25, इसलिए रिजल्ट का करंट वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे इसके प्लेस पर 25 मल्टीप्लाई बाई आई, आई वैल्यू इज 5 अगेन, 25 मल्टीप्लाई 5 इज 125 असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, तो रिजल्ट का फाइनल नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 125। नेक्स्ट वन 125 असाइन होने के जस्ट बाद अगेन कंट्रोल सेंड करें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन 14th केस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंडीशन बिकम्स नेक्स्ट टाइम सॉरी जे प्लस प्लस 4, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएंगे इनर लूप के लिए जे, जे का वैल्यू 4 है, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, मीन्स आउटर लूप का इनर लूप का कंडीशन फॉल्स हो चुका है, कंडीशन फॉल्स होने के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे, आउटसाइड बॉडी ऑफ इनर लूप मीन्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इसका सिक्वेंस क्या है एज अ 16, जब प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होता है उससे प्रिंट क्या हुआ वैल्यू ऑफ रिजल्ट, चेक इट व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ रिजल्ट, करंट वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 125, मीन्स फर्स्ट टाइम आउटपुट का डिस्प्ले 125 होना भी चाहिए था, क्योंकि इसके इसमें परफॉर्म क्या करा 5 टू दी पावर 3 कंप्लीटेड, इस वन टाइम जब इनर लूप कंप्लीट हुआ देन डिस्प्ले क्या हो जाएगा 5, रिजल्ट ऑफ 5 टू दी पावर 3। नेक्स्ट वन दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ आउटर लूप 16, देन अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन ऑफ आउटर मीन्स आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस आई बिकम 6, जब फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 था मीन्स वन टाइम आई एग्जीक्यूट हुआ था, इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3 टाइम्स, क्लियर, नेक्स्ट टाइम अगेन चेक करेंगे, इन दैट केस नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग एज 18, कंडीशन टेस्ट कराएं इनर लूप के लिए तो इनर के केस में सेकेंड टाइम कंडीशन क्या है, अगेन कंडीशन सेम ही आई लेस देन इक्वल्स टू 7, लेकिन आई वैल्यू क्या करंटली 6, देयरफॉर वी आर राइटिंग 6 लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन इज अगेन ट्रू मीन्स कंडीशन ट्रू, देन अगेन कंट्रोल सेंड करें इन साइड बॉडी ऑफ आउटर लूप, आउटर लूप के बॉडी पार्ट में इंटरनली क्या अगेन इनर लूप, इनर लूप के केस में फिर से इनर लूप स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग से, बिगिनिंग से किसी भी लूप में बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रॉम अ इनिशियलाइजेशन सेशन, 18 के बाद जस्ट 19 केस क्या हुआ इनिशियलाइज मीन्स आउटर टू आउटर लूप ओवरऑल 3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो इस केस में इनिशियलाइज में कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3 टाइम्स, बिकॉज इस लूप को चांस कितनी बार प्रोवाइड हुआ रिस्पेक्ट टू आउटर 3 टाइम्स, देयरफॉर नेक्स्ट टाइम अगेन जे इज इनिशियलाइज बाई 1 एंड रिजल्ट इज इनिशियलाइज बाई 1 मीन्स जे का अगेन इनिशियल वैल्यू क्या फिर से 1 प्लस रिजल्ट का भी इनिशियल वैल्यू क्या है अगेन 1 मीन्स प्रीवियस केस में रिजल्ट किसके लिए कैलकुलेट हुआ था 5 के लिए, क्यों आई का वैल्यू 5 था, अब करंटली आई का वैल्यू 6 है और रिजल्ट किसके लिए कैलकुलेट हुआ पावर किसके लिए कैलकुलेट हुआ 6 के लिए। नेक्स्ट वन इनसाइड इनर 19 रिजल्ट एंड जी का वैल्यू क्या हो चुका है 1 1 नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग
20 means this is the previous case, this is new case 20. Next one 20 के just बार अगेन परफॉर्म क्या करेंगे जे के केस में कंडीशन टेस्टिंग, जे लेस देन इक्वल्स टू 3, जे का करंट वैल्यू क्या है 1, इसलिए अगेन कंडीशन क्या रहेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन परफॉर्म क्या हुआ इस केस में अगेन 20 देन 21, 21 के केस में क्या अगेन बॉडी एग्जीक्यूशंस, बॉडी एग्जीक्यूट 21 के केस में रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय आई, रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है 1 और आई वैल्यू क्या है 6, रिजल्ट इज 6 असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, नाउ रिजल्ट बिकम्स 6, रिजल्ट बिकम्स 6, मींस इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट केस के आपके लिए इसे सॉल्व करने के बाद देन इसके फैक्टर्स में जितने भी जो डायग्राम्स में फैक्टर्स जनरेट हुए हैं ये सारे फैक्ट्स आपको एनालाइज करना है, जिसके बेसिस पर नेक्स्ट प्रोग्राम आपके लिए इजीली मैनेज करना पॉसिबल, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। नेक्स्ट वन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 रिजल्ट 6 आसान किस में चुका है रिजल्ट में। नेक्स्ट 21 का नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है 22 मींस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन जे, जे में इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अगेन कंडीशन टेस्टिंग इन जे 22 के बाद क्या आएगा 23, जे में कंडीशन टेस्ट करें जे वैल्यू क्या करंटली 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज अगेन ट्रू, आउटर लूप कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ इस केस में अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी के रिस्पेक्ट में 23 के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है 24, नेक्स्ट वन बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है प्रीवियस रिजल्ट क्या 6, 6 मल्टीप्लाई बाई आई, आई वैल्यू इज ऑल्सो 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 36 असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, रिजल्ट बिकम्स 36। नेक्स्ट टाइम अगेन कंट्रोल गोज टू जे प्लस प्लस 25, जे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जे वैल्यू क्या हो जाएगा 3, देन कंडीशन टेस्टिंग 26 के केस में जब कंडीशन अगेन टेस्ट कराएं जे लेस देन इक्वल्स टू 3, जे वैल्यू क्या 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से चांस किसको मिलेगा 27 के केस में बॉडी ऑफ लूप मींस दिस वन इज गेट 27 सीक्वेंस, रिजल्ट वैल्यू इज 36 मल्टीप्लाई बाय 6, आई वैल्यू क्या करंटली 6, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा इसका 6 216, रिजल्ट इज 216 मींस रिजल्ट बिकम्स 216। नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल सेंड करेंगे टू द जे प्लस प्लस मींस 27 का नेक्स्ट सीक्वेंस क्या 28 इज जे प्लस प्लस, जे बिकम्स वैल्यू ऑफ जे बिकम्स 4, देन कंडीशन टेस्टिंग जे वैल्यू इज 4 मींस 28 29, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, प्रीवियस केस में जे वाला कंडीशन कब फॉल्स हुआ था जब जे का वैल्यू 4 हुआ था, अगेन जे का वैल्यू फिर से 4 हो चुका है कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के केसेस में अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ इनर लूप मींस इसके केस में सीक्वेंस क्या इसका कंडीशन टेस्टिंग क्या था 29 आफ्टर दैट 30 मींस 30 के जस्ट बाद नेक्स्ट वन सिंपली प्रिंट एफ से डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट में करंटली क्या स्टोर है 216, डिस्प्ले भी होना चाहिए था क्योंकि इस केस में डिस्प्ले क्या करा रहे हैं जस्ट 6 to the power 3, 6 का पावर क्या है 6 to the power 3 इज 216। नेक्स्ट टाइम अगेन इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ आई प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन ऑफ आउटर लूप, आई प्लस प्लस होगा तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 7, दिस इज द लास्ट इटरेशन फॉर आई, आई का वैल्यू 7 हो चुका है देन कंडीशन टेस्टिंग 32 सीक्वेंस, आई लेस देन इक्वल्स टू 7 मीन्स इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने जस्ट बाद कुछ कंपेरिजन टेस्ट करेंगे मीन्स फैक्ट्स। नेक्स्ट कंडीशन टेस्ट करेंगे आई वैल्यू करंटली क्या 7 एंड 7 लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन इज अगेन ट्रू, आउटर लूप का कंडीशन टू देन अगेन चांस किसको प्रोवाइड हुआ इनर लूप को 32 के बाद इनर लूप में जब कंट्रोल आ गया तो सबसे पहले अगेन क्या परफॉर्म हुआ इनिशियलाइजेशन 1 मोर टाइम्स, इन दैट केस सीक्वेंस क्या है 33। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट कराएंगे 34, कंडीशन जे के लिए टेस्ट करना तो जे के केसेस में करंटली जे का वैल्यू क्या है सॉरी प्रीवियस केस में 33 के अकॉर्डिंग जे और रिजल्ट दोनों ही फिर से इनिशियलाइज किस हो जाएंगे वन मोर टाइम, जे बिकम रिजल्ट बिकम्स 1 एंड जे ऑल्सो बिकम्स 1। नेक्स्ट वन अगेन फिर से जब कंडीशन टेस्ट कराओ 34 केस में जे लेस देन इक्वल्स टू 3, जे वैल्यू इज करंटली 1 लेस देन इक्वल्स टू
थ्री कंडीशन इज ट्रू फर्स्ट टाइम, कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा, जेके के इसमें बॉडी पार्ट रिजल्ट वैल्यू क्या करंटली वन एंड आई वैल्यू क्या करंटली सेवन, वन मल्टीप्लाई सेवन इज सेवन असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, रिजल्ट बिकम्स सेवन। नेक्स्ट वन जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस पर कंट्रोल सेंड करेंगे दिस सिक्वेंस इज 35, मीन्स न्यू सिक्वेंस फिर से स्टार्ट हुआ है 35, देन अगेन इसको भी न्यूली स्टार्ट करना फिर से, दिस इज द थर्ड सिक्वेंस 36। नेक्स्ट टाइम जे प्लस प्लस होने से जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे बिकम्स टू, अगेन जे के इसमें कंडीशन टेस्ट कराना, जे का वैल्यू टू है उसका सीक्वेंस क्या रहा है 36 के जस्ट बाद कंडीशन टेस्टिंग 37, कंडीशन टेस्टिंग जे इज टू, जे का वैल्यू क्या करंटली टू, देयरफॉर कंडीशन इज टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन अगेन टू, जे का कंडीशन टू है देन अगेन जे के केस में इनर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कराएंगे, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा 37 का 38। नेक्स्ट वन रिजल्ट सेवन मल्टीप्लाई बाई आई वैल्यू क्या है ऑल्सो सेवन, रिजल्ट क्या है इस केस में 49, रिजल्ट इज 49, 49 आसान किस में जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में, नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 49। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, मीन्स 38 के बाद 39, 39 क्या हुआ जे प्लस प्लस 39, जे प्लस प्लस होने से जे का वैल्यू क्या हो जाएगा करंटली 3, जे वैल्यू बिकम्स 3 देन कंडीशन टेस्टिंग एज 40 के इसमें परफॉर्म क्या हुआ, कंडीशन टेस्टिंग जे का वैल्यू 3 है 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन अगेन ट्रू, इनर लूप के केस में अगेन कंडीशन ट्रू देन परफॉर्म क्या हुआ अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन 49 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ आई 7 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 63, 49 प्लस 6 इज 343, रिजल्ट क्या रहा इसके इसमें 343, आसान किस में हो जाएगा रिजल्ट में 343। नेक्स्ट वन सीक्वेंस क्या इसका जस्ट 41 बाद अगेन परफॉर्म क्या हुआ जे प्लस प्लस मीन्स 42, जे बिकम्स 4 देन कंडीशन टेस्टिंग 40, कंडीशन टेस्टिंग परफॉर्म क्या कर रहा है 43, देन जे के केस में कंडीशन टेस्ट करें जे का वैल्यू 4 हो चुका है इसलिए कंडीशन कैसा है फॉल्स है देन कंट्रोल का सेंड अगेन आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू डिस्प्ले करें, रिजल्ट का करंटली वैल्यू क्या 343 मीन 7 to the power 3 इक्वेलेंट टू 7 to the power 3। नेक्स्ट वन कंट्रोल सेंड करेंगे आई प्लस प्लस, आई बिकम्स 8, आई का वैल्यू क्या हो चुका है इसके इसमें 8, अगेन आई केस में इसका सीक्वेंस क्या था जस्ट रिसेंटली 43 के बाद क्या 44 के बाद आई प्लस प्लस होगा तो क्या 45 देन कंडीशन टेस्टिंग 46 में कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई के लिए, आई के केस में वैल्यू क्या है 8 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन बिकम्स फॉल्स है देन कंट्रोल कांस्टेंट करें आउटसाइड बॉडी ऑफ दिस लूप मीन्स लास्ट सीक्वेंस क्या है इसका 47, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसके इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हैं मीन्स ओवरऑल प्रोसेस में आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है 1, 2, 3 टाइम्स, एवरी आउटर एग्जीक्यूशन एवरी टाइम आउटर लूप के रिस्पेक्ट में इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है 3 times अगेन 3 times और अगेन 3 times मीन्स अगर आउटर लूप 3 times एग्जीक्यूट हुआ है मीन्स आउटर लूप के फर्स्ट इटरेशंस के लिए इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3 times 1, 2, 3। नेक्स्ट आउटर लूप में जब आई का वैल्यू क्या हुआ आई वैल्यू इज 2 देन इनर लूप अगेन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3 times देन नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हुआ 3 अगेन इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3 times तो ओवरऑल टोटल ऑपरेशंस कितनी हुआ 3 + 3 + 3 इज 9 ऑपरेशन 9 times। इसे इनर लूप के अंदर जो भी ऑपरेशंस हैं ये ऑपरेशंस कितनी बार एग्जीक्यूट हुए टोटली 9 times विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्जीक्यूशन वी आर एग्जीक्यूटिंग और वी आर परफॉर्मिंग नेक्स्ट ऑपरेशंस।